नमस्ते दोस्तों, आप लोग को फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल ट्रैवल इंसाइक्लो पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की पड़ोसी देश में स्थित एक बेहद ही सुंदर शहर के बारे में। ऐसी एक शहर जिसे सिटी ऑफ टेंपल्स यानी मंदिरों की शहर कहा जाता है। ऐसी एक शहर जिसकी 20 किलोमीटर दायरे के अंदर आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगा। ऐसी एक शहर जो दुनिया की टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। बाहरी दुनिया के लिए यह शहर आज भी कोई रहस्य से कम नहीं है। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की जानी पहचानी ये शहर काठमांडू के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये अनोखी वीडियो अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ काठमांडू। हिमालय की गोद में स्थित भारत की पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आबादी के लिहाज से काठमांडू नेपाल की सबसे बड़ा शहर है। 25 लाख के करीब आबादी वाले काठमांडू 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 1324 मीटर है। यहाँ की पोस्टल कोड है 44600 और कॉलिंग कोड है +977। काठमांडू दुनिया की प्राचीनतम शहरों में से एक है। यह शहर सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। शहर की हर कोना प्राचीन मूर्ति मंदिर और प्राचीन निदर्शन से भरे हुए है। पूरे काठमांडू में 100 से भी अधिक प्राचीन स्मारक की निदर्शन मौजूद है। हिमालय की वादी में स्थित काठमांडू अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, सुहाना मौसम और प्राचीन पर्यटन स्थलों के कारण घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल लाखों की तादाद पर सैलानी घूमने के लिए काठमांडू आते हैं। तो दोस्तों अगर आप घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा मानिए और कहीं नहीं काठमांडू जरूर घूम के आइए। अभी भी दुविधा में है तो चलिए दोस्तों काठमांडू जाने के लिए मैं आपको 7 कारण बताता हूँ। नंबर 1, दोस्तों आप विदेश घूमना चाहते हैं मगर बजट के लिए है परेशान, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ भ्रमण के लिहाज से काठमांडू के जैसा सस्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको दूसरा और कोई नहीं मिलेगा। नंबर 2, काठमांडू जाने के लिए आपको कोई वीसा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। नंबर 3, दोस्तों काठमांडू जाने के लिए आपको करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। काठमांडू में किसी भी चीज के लिए आप भारतीय करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। काठमांडू में 100 भारतीय रुपए के बदले में आपको 162 नेपाली रुपए मिलेगा, है ना ये मजेदार। नंबर 4, दोस्तों काठमांडू सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ की प्राचीन मंदिर और ढेरों ऐतिहासिक स्थल पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखते हैं। काठमांडू वादी की 20 किलोमीटर दायरे के अंदर आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगा। नंबर 5, काठमांडू विश्व में एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की पशुपतिनाथ जी की मंदिर पूरे हिंदू समाज में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों अगर आप एडवेंचर टूरिज्म में रुचि रखते तो काठमांडू आपके लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे हिमालय की वादी में ट्रेकिंग, तेज बहने वाली नदी में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, काठमांडू की जंगल में कैंपिंग, क्या दोस्तों दिमाग घूम गए हैं? और भी एक चीज बताना अभी बाकी है। आखिर में बोलना चाहता हूँ काठमांडू जाने पर आप लोगों को भारतीय खाना भी मिलेगा। यहाँ की लोगों की प्रिय भोजन है दाल भात तरकारी। दोस्तों अगर आप लोग काठमांडू घूम चुके हैं और आप लोगों को लगता है कुछ छूट गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके वो हमें बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।